पुरानी गला मंडी को मार्केट प्लेस बनाया जाएगा। सब्जी फल से लेकर कपड़े बर्तन और जरूरी सामान एक ही जगह पर मिलेगा। हाट रोड पर ठेले ना लगाएं, फुटकर विक्रेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने एक बार फिर पुरानी गला मंडी और हाट रोड को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को SDM तहसीलदार सहित मंडी और राजस्व अमले ने हाट रोड व मंडी पहुंचकर ठेले वालों को व्यवस्थित किया। ठेले वालों को मंडी में जाने को कहा गया। हाट रोड पर अब अगर कोई ठेला लगाता है तो उस पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अतिक्रमण मंडी और हाट रोड पर ही है। पहले भी कई बार इसे व्यवस्थित किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ठेले वाले फिर वापस हाट रोड पर आकर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। वहीं मंडी में अव्यवस्था होती है। हद तो यहां तक है कि मंडी में बनाए गए वर्मी कंपोस्ट तक पर आसपास के दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है, यहां पर अपना सामान भर लिया। संबंध में SDM वीरेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि इस मंडी को मार्केट प्लेस के रूप में विकसित करने का प्लान है। ये कोशिश है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को इसी प्रांगण में सारी सुविधाएं मिल सके। सब्जी फल कपड़े बर्तन चूड़ी बिंदी के साथ तमाम सामान उन्हें इसी प्रांगण से मिल सके। इसके अलावा खाने पीने के सामान चाट पपड़ी भी यहीं से नागरिकों को मिल सके। SDM ने बताया कि सभी ठेले वालों से कहा गया है कि वो मंडी में जाकर अपने ठेले लगाएं। हाट रोड पर ठेला लगाने वाले को किसी की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर वहां पर ठेला लगाया जाता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। मंडी में पर्याप्त जगह है, जो भी वहां पर ठेला लगाना चाहता है वो मंडी में संपर्क कर सकता है। जो हार्ड रोड से जो ठेले थे सब्जी के ठेले जो बेहतरीन तरीके से लगे हुए थे, उनको हमने शिफ्ट करके मंडी के अंदर कराया है। मंडी के अंदर पर्याप्त जगह है, शहर में और भी कहीं भी ठेले लगे हैं, किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही है ठेले लगाने के लिए। हम कह रहे हैं आप हमारे मंडी सेक्रेटरी साहब से, मंडी में जो व्यक्ति उनसे आके मिलिए, एक जगह निश्चित दे दी जाएगी, वहाँ अपना ठेला लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे सर व्यवस्था करवाई गई है? सॉरी, एक तो मंडी का जो प्लेटफॉर्म है उसको चौकाने बना के प्रॉपरली जगह कराई गई है। दूसरा जो पार्क के सामने सीमेंटेड पार्क है, जो सीमेंटेड जगह है वो। थर्ड, जो दुकानों के आगे हम 10 फीट जगह छोड़ के एक सब्जी की लाइन लगा सकते हैं ठेलों की, इसमें किसी को इशू नहीं है। थर्ड, हम जो पीछे मनियारी मार्केट शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जो ये लास्ट लाइन है, जो अभी लास्ट लाइन है उस पर, ठीक है, उसके और आगे चल के पार्किंग और चाट वाला हमारा प्लान है। सर फिर से लोग आते हैं तो क्या उन पर कुछ? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लोग आएंगे क्यों? हमारी कोशिश है हम इतनी सुविधाएं दें लोगों को कि जो हमारा मंडी एक मार्केट प्लेस है, यहाँ लोग आगे बैठे हैं। लोग क्यों बाहर आगे बैठे हैं? गंदगी फैलाना, अव्यवस्था करना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाट रोड पर नहीं लगाएंगे ठेले? नहीं, हाट रोड पर हमारी हमें उम्मीद है कि नहीं लगाएंगे। सर 6 बजे के बाद यहाँ पर ट्रक नो एंट्री में आते रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे मंडी के अंदर? मंडी के अंदर 6 बजे का नो एंट्री का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इवन अगर जैसे सुबह मॉर्निंग 8 बजे से पहले ट्रक जो सामान देने आते हैं तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ठेले वालों के आने से पहले जो सामान देने आ रहा है वो सामान देकर चला जाए और ट्रैफिक नहीं होगा उससे। सर आज कुछ लोग पहुंची दुकान मौके पर, आप व्यवस्था कराई? हाँ, काफ़ी दुकानें पहुंची, आप पूरा क्लीन हो गया, ये मनियारी वाले कपड़े वाले उधर पहुँच गए। लोग बहुत अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं, बस हमें उनको थोड़ा दिशा देने की आवश्यकता रहती है।